मेरे दोस्त प्रमोद, विनीत और एक नई सुबह लेके आए हैं आपके लिए। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैड मंकी से और आपको लेके चलते हैं, नीचे हो रही है पार्टी और पार्टी में आपको शामिल करते हैं और हम भी खुद शामिल। सुबह नहीं है, रात है एक्चुअली। तो वीडियो सुबह आएगी, इसीलिए हम लोगों ने सुबह बुलाया, हम जा रहे हैं पार्टी करने रात को। तो लेट्स गो गाइस, द रिसेप्शन ऑफ मैड मंकी। तो मैं खड़े हुए, यस दिस इज अ रिसेप्शन, काफी कलरफुल एंबियंस है एंड दिस इज द प्लेस। सो आपको लेके चलते हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड द काउसांग रोड, सो देखते हैं काउसांग रोड की जो नाइट लाइफ है वो कैसी है और खाने पीने के लिए क्या चीज़ वहाँ मिलती है। सो बिकॉज वहाँ से हम लोग डिनर विनर करके आएंगे और नाइट लाइफ को इन्जॉय करेंगे। तो थाई फूड का टाइमिंग है काउसांग रोड पे, मेरे ख्याल में जो दोपहर वाला होता है वो 6 बजे बंद हो जाता है, जो लोकल स्ट्रीट फूड मिलता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है। सुबह हम आए थे तो वो खुल रहा था, 11 बजे हम पहुँचे थे, तो 11 बजे वो सारे स्ट्रीट फूड्स लग रहे थे और 6 बजे वो बंद हो गया कम्प्लीटली। बट वहाँ पे जैसे चिकन फ्राई, मगर उसमें कोई स्पाइसेस नहीं होंगे जैसे हमारा तंदूरी फ्राई वगैरह होता है, ऐसे कुछ नहीं होता बट नॉर्मल होता है। और हमने थाई फूड ट्राई किया था, हमने सुशी ली थी, एक टम्पूरा बॉक्स टाइप का लिया था, वो बहुत अमेजिंग था। फिर हमने कौन सी नूडल खाई थी, हमने पैथाई नूडल खाई है, फ्राई राइस खाया, फ्राइड राइस खाया, बट सुशी वाज जापानीज एक्चुअली। हाँ हाँ, जापानीज होता है। बट जो थाई वाला था, कौन सा जो नूडल्स और राइस थे, दैट वाज अमेजिंग, वेज बनाए थे पर बहुत अच्छा लगा। स्पाइसेस नहीं होते उसमें पर मुझे अच्छा लगा यार, आई थिंक लाइक उसमें जो काफी सारे वेजिटेबल दाल रखे थे, दैट इज गुड फॉर माय स्टमक। हां एग्जैक्टली, आप वेजिटेबल वाला खाओगे तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वेजिटेबल भी मिल जाता है। और एक बेटर चीज है, अगर पोर्क या बीफ अगर कुछ होता है तो वो बता देते हैं कि पोर्क है या नहीं है इसके अंदर। चिकन चिकन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर काफी सारी स्ट्रीट्स हैं और थाई फूड हम देख रहे हैं, स्मेल आ रही है, वो कहते हैं ना ऑथेंटिक वाली थाई फूड वाली स्मेल है।
Want to try this, guys? No, no, never. Let's go, man. Let's go. No, these are not good for us. A fruit. A Thai fruit. One piece is for? Three pieces, 30 baht. So we are trying a Thai food. It's like a apple. What is the name of this food? What is it called? Lost apple. Okay, it's called apple. Gross apple. We need payment. Some spices. You put spices or? Is it hot? ठंडे करके मिलते हैं बर्फ के ऊपर लगाए हुए तो एकदम अमेजिंग का फ्लेवर आता है, रिफ्रेशिंग है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें खाने में। और ड्रेसेस तो शॉप के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें। Thank you.
I didn't expect this street to be so living, so living. It's just full of life. It's amazing here. How about you? It's a very happy place. You must visit. आपको मजा आ जाएगा यहाँ पे घूमने में रात. You know, night life. You have to enjoy night life here. It's an amazing place. Food everywhere. And you know what? The best thing is it's very subtle, very relaxed. It's very homely feeling. Meat की shop में. देखते हैं. खाने का. भाई लोग taste करना चाहोगे? जी को काफी बढ़िया लगे, काफी अच्छा लगे ये चिकन. दिस इज अ क्रिस्पी चिकन रोल, दिस अ वेज रोल, दिस अ चिकन रोल, स्प्रिंग रोल्स भी है. तो इस तरीके से कट करके ये दिए जा रहे हैं. वाओ, इट्स रियली नाइस. दिस इज द सेम थिंग दैट यू गेट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली. यस, जब भी ट्राई करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स उन्हें दिल्ली की याद आ रही है. ओपनिंग अप टू एक्सपेरिमेंटिंग विद. सो प्रमोद जी, जस्ट टेस्टेड एंड टेल अस आवर व्यू हाउ वाज दिस. स्वीट चिली, स्वीट चिली. गो फॉर इट भाई. यू हैव ऑयस्टर्स आल्सो. वेरी हॉट, देन इट्स ओके. स्लोली स्लोली. सो वी आर गोइंग टू ट्राई. वी हैव नॉट पेड इट येट. If it is good, then we're going to pay. We'll pay for sure. How is it? Hot now. Hot? Damn hot, man. And how was the taste? It's like a same like Delhi, or it's no. Has a flavor of Thailand. These spring roll are totally different. It's an amazing taste, crispy. Do you have spicy sauce? This is the only sauce. Okay. It's sweet. Spring roll. तो उन्होंने order किया है. अब shrimp spring roll and all the ingredients. I want you to see this. उसमें ना shrimp की पूंछ भी दिख रही है देखो. बिल्कुल. So fresh spring rolls for the shrimp. काफी बढ़िया. और ये सारे देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ है, यही चीज़ इसमें डाल रखी है. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है. और ये दोनों खा के बताएंगे कि कैसा लगा. अभी बताऊँ भाई, मैं कैमरे के पीछे विकास वर्मा, आप लोगों का चाहता. आप खाना चाहेंगे? हाँ, क्रिस्पी पार्ट ऑफ इट. जस्ट पुट इट इनटू द सॉस एंड पुट एंड देन टेस्ट इट. Oh, it's crispy. I can hear that crispiness. Crunchy. Very crunchy. The crunchy. And here goes the honey again in the mouth of Vineet. The meat है ना, वो बिल्कुल अलग है. The thing that you've never had chicken से तो बिल्कुल अलग ही होता है obviously. The best part is the seafood is really fresh. और वरना तो meat है ना, तो chicken जैसा तो लग ही नहीं रहा. पर जिसको हम लोग खाना खा पा रहे हैं. चिकन बाबी के तो हमने टेस्ट करा है. ऐसा लग रहा है चिकन टिक्का खा रहे हैं मेरे दोस्त लोग. और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ का जो चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का नहीं है, रेगुलर चिकन टिक्का नहीं है, समथिंग डिफरेंट. इसमें ना पाइनएप्पल भी लगा हुआ है. तो व्हाट आई थिंक इज दैट इट्स गोइंग टू हैव सम यू नो स्वीटनेस टू इट. इट्स ऑलरेडी मैरिनेटेड, मैरिनेटेड इन इन आई थिंक इट्स सम सोया सॉस, मैरिनेटेड इन अनानास जूस आल्सो. एंड दिस इज अ स्पेशल थाई मसाला व्हिच हैज बीन पुट इन ऑन दिस. बताइए कैसा है लगने वाला ये. इसमें वो थाई स्मेल है, बाय द वे टिपिकल थाई स्मेल है इसमें. ओके, पाइनएप्पल मिलता है, तो बारबेक्यू हुआ हुआ है, एक स्पाइस चिली है. और ये ड्रिप कर रही है सॉस इसमें, बड़ी मजेदार सी. आई मेड इट अ बिट स्पाइसी, मैंने इसको बोला. It's like normal chicken, but with a hint of quintessential Thai spices and Thai smell.
और ये प्राइस यहाँ पर द मैक जी जिसे बोलते हैं आई लव काउसांग रोड, और प्रमोद जी खाना चाहते हैं यहाँ का मैगडी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो चलते हैं आपको लेके मैगडी। मेन स्ट्रीट ऑफ द काउसांग रोड और आप देख सकते हैं काफी क्राउडेड है, काफी लाउड म्यूजिक है और अभी टाइम दो यहाँ पे 12:30 हुआ है रात का। यस, और आप देख सकते हैं ऐसी ट्राई करना। इंडियन टाइप वाला है, फ्राइड राइस है, अलग है। इसका बनाने का तरीका भी अलग है, इसमें क्या है सब्जियों को गरम किया गया है, फ्राइड राइस फ्राई नहीं करा है इसने, एक्चुअल में राइस पहले से बने थे, जस्ट उसको मिक्स कर दिया गया है। इसमें जो क्रैब चिकन और एग है उसको फ्राई किया गया है, बाकी इसमें राइस को मिला दिया गया है। इसमें वो थाई वाली स्मेल आ रही है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बात है, वेरी नाइस। तो आज आप नहीं ले रहे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक? नहीं,